तो फिर अलिफ लैला की दास्तानों की वो किताबें हो जाएंगी। इसमें कोई शक नहीं कि अदब के भंडारों में अलिफ लैला का बड़ा मकाम है, लेकिन पढ़ने के बाद में आपने क्या हासिल किया वो जीरो। किताब का एक मकसद होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि जिस टॉपिक को लेकर हमारे सलीम अंसारी साहब ने अपने कलम को उठाया और पूरे बॉम्बे के असीरगढ़ से लेकर नासिक की पटेल तक जितने हमारे अल्लाह के दोस्त औलिया इकराम आराम फरमा रहे हैं वहां पर गए, सबसे पहला काम इन्होंने ये किया कि इतने सारे लोगों को पूरे कांधे के पांच छह डिस्ट्रिक्ट में जाने की जरूरत नहीं, आपके हाथ में आप वहीं पढ़कर उनकी जियारत कर लीजिए, वो सवाब भी आपको इंशाला। इतनी दूर दराज जाने की जरूरत नहीं है, जियारत को जाना मैं अपनी सादत समझता हूं और बहुत से लोग जियारत को जाते भी हैं और कुछ ऐसे भी अमल करते हैं कि जिसका इस्लाम के अंदर कोई इजाजत नहीं मौजूद। लेकिन मैं उन बुजुर्गों की औलिया की जियारत करने का जब भी मौका नसीब होता है वहां जाकर दरूद सलाम के बाद मैं ये दुआ करता हूं कि अल्लाह जिस तरीके से हमारे बुजुर्ग यहां पर मतबन है और जो किरदार उनके पास का है वो तो मेरी कौम के नौजवानों में आता है। वाह, क्योंकि उनको आज यहां पर जो इज्जत दी जाती है कि इस दुनिया से जाने के बाद में भी बड़े बड़े सल्तनत के बादशाह वहां पर आकर अपने घुटने देखते हैं, वो उनका किरदार था, मालो दौलत नहीं। वाह वाह, उनको आपने यहां पर जमा किया। सब जानते हैं हम कांदेश में रहते हैं, कांदेश इसके बाद से 10 दिन पहले फारूक की दौर के ऊपर पूरी एक किताब एक मौकी साहब ने लिखी, मोहम्मद रफी साहब ने इसके बाद से इस गुनागार के हाथ से ही उसका अजरा हुआ। 327 साल हुकूमत किस तरीके से फारूकियों ने असीरगढ़ से अपनी हुकूमत चलाई और कैसे ये कांदेश नाम पड़ा उसके अंदर पूरा उसके अंदर सूत्र है, उनकी तमाम तारीख उन्होंने बताई है। फिर 1601-2 के अंदर मुगलों ने इसको फतेह किया और किस तरीके से मुगलों के बाद में 100 साल तक उनकी हुकूमत रही जिसमें हम सब आते हैं, और उसके बाद में फिर वहां अंग्रेज आए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने असीरगढ़ का आखिरी किला फतेह किया जब उनकी हुकूमत यहां मुकम्मल हो पाई। खानदेश ऐसा इलाका था और उसके बाद फिर मराठों ने इसको कब्जा किया और उसके बाद के हालात आप सबके सामने हैं। हम जब इन बुजुर्गों की तारीख पढ़ रहे हैं तो आपको अंदाजा होगा न कोई जमात इस्लामी काम करती थी, न कोई तबलीगी जमात का तस्वुर था, न कोई अहले सुन्नत वल जमात का तस्वुर था, न वहदत इस्लामी का था, न कोई ऐसा मामला था कि एक आदमी कमरे में बैठे और सैकड़ों हजारों लोग करोड़ों लोग उसको सुने, नहीं था। आज इतने वसाइल होने के बाद में भी दीन की तबलीग का जो हक है वो हम अदा नहीं कर पा रहे, लोग उठा पा रहे। लेकिन इन बुजुर्गों को जिनके ताल्लुक से यहां पर जिक्र हो रहा है, ये अल्लाह के दोस्त, इन्होंने जिस जमाने के अंदर मेहनत की और बनफ्सन अफीस लोगों में जाकर बैठ करके जिस माहौल में काम किया उस माहौल में आप जाइए कि दीन हम तक कैसे पहुंचा, कहां कहां से मीलों सैकड़ों हजारों मीलों के किलोमीटर के फासले तय करके ये लोग ये बुजुर्ग हमारे इलाकों में आए और यहां पर उन्होंने दीन फैलाने का काम किया जिसकी बदौलत हम अरब के लोग नहीं है, हम हिंदुस्तान के पक्के आके चाहिए और चेहरे से भी लगता है कि हम ओरिजिनल चीन के रहने वाले। बहुत कम लोग हैं जो वहां से आए हुए होंगे, लेकिन हम तो यहीं के रहने वाले हैं, हमारा सिलसिला हम हुजूर से नहीं मिला सकते। कुछ लोग थोड़ा पैसा आ जाता है तो अपने सिलसिले वहां तक लेके जाते हैं, समाज में इज्जत होगी, सिलसिला ले जाने से इज्जत नहीं मिलेगी। अगर आपके पास किरदार नहीं है तो फिर हुजूर ने कहा ऐ फातिमा तेरे अमाल तो ये जन्नत और दोजख है। हर बात नबी की बेटी को हुजूर कह रहे हैं तो हाल कहकर हम क्या माले रसूल है, नफरत हो जाएगी ये गारंटी नहीं है, अल्लाह चाहे तो नफरत हो।
किरदार और कैरेक्टर देखा जाए। अगर ये हजरात हजारों किलोमीटर साथ ले जाए तो अगर तय करके नहीं आते तो मैं अक्सर कहता हूं, अंग्रेजी में मैंने पढ़ा था कॉलेज के जमाने में, ए हाउस ऑफ फ्रेंड इज नेवर लॉन्ग, अपने दोस्त का घर कभी लंबा नहीं होता। और जो लोग सच्चे मोहब्बत करते हैं, अगर अपने दोस्त का घर उनको लंबा लग रहा है, अगर फासला उनको जो है तो ज्यादा लग रहा है, तो टटोलिएगा अपने आप को, आप सच्चे दोस्त नहीं है, कहीं तो भी आपको गौर करने का। इन हजरात ने अपने दोस्त की तरह अपने मिशन को अपनी जिंदगी का हिस्सा समझा और रेलगाड़ों से निकलकर इतने दूर दूर तक अगर नहीं पहुंचते तो अगर दिन हमारे पास कहां से आता। हम मजदूर मजदूर इनकी करवट करवट अल्लाह इनको जो है तो जन्नतुल फिरदौस और उनसे जितने दर्जा बुलंद हो सकते हैं उनकी बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह हम जैसे भी है टूटे फूटे हैं आज इस मुल्क के अंदर। ऐसे हालात है कि हमारे हुलिया देखकर जो है हमारी जिंदगी को खतरनाक है, लेकिन कोई इंसान खुदा न खास्ता नमाज न पढ़ता है, लेकिन अगर वो इस्लामी तरीके से रहता है, उसकी रेस जारी जारी है, उसका तशक्कुर बताता है कि ईमान वाला है, चाहे किसी दर्जे का ईमान हो, शायद अल्लाह को अदा पसंद है कि हम गुनाहगार होने के बावजूद भी इतने बुरे हालात में भी ये मेरा नाम लेने के लिए आज रस्ते पर पहुंचते हैं, अकेले सफर करते हैं। अल्लाह कहता ना सरल, आज मदारात के ताल्लुक से भी जिंदों के साथ तो चल ही रहा है, मौजूदा हुकूमत के ऐवानों में बैठने वाले साधवी हो या वो साधु हो, हमारे मजारात उनको कट रहे हैं, क्योंकि उन मजारात के ऊपर उनको दुख इस बात का हो रहा है कि न सिर्फ मुस्लिम बल्कि हमसे ज्यादा हमारे गैर मुस्लिमों के ऊपर भाई जाकर वहां पर अपनी मन्नत और मुरादे मांग रहे हैं, जो भी उनकी सोच है उनको गुस्सा आ रहा है, क्योंकि उनके पास नहीं है, वो सच्चे हैं इसलिए उनके पास जा रहे हैं। उस पर भी जो हो रहा है, एक तरफ उनके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया जा रहा है कि हरा चादर डालकर रास्ते ब्लॉक किए जा रहे हैं, तो परसों मैंने देखा कि एक हुकूमत से वक्त की पार्टी से लड़ने वाला आमदार जो टिकट लेके खड़ा रहना चाहता है वो मजारों के चक्कर काट रहा है कि बाबा मुझे कालिया नहीं मिला। ये तो हकीकत है जो सर पर जादू जैसे चढ़कर बोलेगा। आज इन हजरात की जो कुछ भी कुर्बानियां रही उनकी लाइफ के ऊपर आपने लिखा, इनको समझना चाहिए कि तुम जिंदों को जिस तरीके से ट्रीट कर रहे हो कर लो, हम लड़ेंगे बर्दाश्त करेंगे, अपने ईमान से नहीं हटेंगे, लेकिन हमारे बुजुर्गों को मत छेड़ो। न जाने वो बुजुर्ग की हालत में है वहां पर, कोई सौदा जो कब्र के अंदर है उनके ताल्लुक से कुरान में पूछता कि तुम इनको मुर्दा ना जानो। हम वतन इन लीडरान से मैं कहना चाहता हूं, मुल्क मुक्त रहने दीजिए, इसको संतान और कब्रस्तान मत बताइए। एक शायर ने कहा है कि सलामी पूछता क्या है लेमन युक्तल की तब तस्वीरें कि सौदा अब भी निकल आए अगर कलबे दबी थी। अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं की दुआओं के इन्हीं की मेहनत के तुफेल में हम यहां पर हैं। आज इस मुल्क के अंदर मुनाफरत के बादलों को गर्म किया जा रहा है, आज इस मुल्क के अंदर मजहब की दीवारें खड़ी करके अपनी सियासी मकासिद को हासिल करने की बहुत जोर से कोशिश हो रही है, जो आप रात दिन देख रहे हैं। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है इन औलिया इकराम की वजह से, इन्होंने जो कुछ भी यहां पर अपने दीन के लिए अवाम के लिए खिदमत की, क्योंकि इनकी नजर के अंदर न कोई मजहबी इंसान को उसके मजहब और जात से देखा जाता था बल्कि इंसान की तरह देखा जाता था। इस किताब का मकसद होना चाहिए कल हम भी हमारी नजर तमाम इंसानों को इंसान की तरह देखें, और ऐसे माहौल में जब हम अपनी बिरादरी खानदान मसलक और न जाने कितनी चीजों में बटे हुए हैं, ये औलिया इकराम के तस्करे को आप पढ़िए, जिन्होंने कभी इंसानों के अंदर भेदभाव नहीं किया, और अहम इस्लाम जैसे इंसानियत का मजहब है उस पर वो चढ़ ये समझिए। उनके पास जो ईमान था वो ऐसा ईमान था कि आज हम अखबार पर डिपेंड है कि मेरे घर में छोटा वाटर की बोतल तलवार और भल्लम भाला रहेगा तो मेरी हिफाजत होगी। लेकिन इन बुजुर्गों के ताल्लुक से हमने कई जगह पढ़ा भी और सुना भी है
कि एक वली जा रहे थे, अल्लाह के बंदे थे, सूफी थे, जाते जाते कह रहे थे कि जो रब करे तो होए, जो रब करे तो होए, जो रब करे तो होए। तो कुछ बच्चे चौराहे पे खड़े हुए, उन्होंने पत्थर मारना शुरू किया। जब पत्थर लगा हजरत को तो मुड़कर देखा तो बच्चों ने चिढ़ाकर कहा कि जो रब करे तो होए। हजरत ने जवाब दिया, अरे प्यारे बच्चों, बेशक जो रब करे तो होए, तुमने मुझे सार पत्थर मारे, लगा वही जो मेरा अल्लाह मुझे मारने वाला। सारे पत्थर नहीं लगे तुम्हारा, आज हमारा ईमान नहीं रहा। हम लोग बहुत घबरा जाते हैं, जो मुसीबतें आती हैं, जो वाकयात होते हैं, ये अल्लाह की तरफ से होते हैं। उसको किस तरीके से पेश करना, मौजूदा जमाने में आज नफरत की दीवारें खड़ी है, अगर हमने इस दौर के अंदर भी चाहे कोई कितनी जो है तो मतलब इससे मेहनत कर ले कि मुनाफरत की हुकूमतें कायम हो, नफरत की हुकूमत नहीं कायम होगी। इन्होंने जो मोहब्बत की हुकूमतें कायम की थी, अगर उस तरह पर हम चलेंगे तो इंशाल्लाह ताला आज भी माहौल बदल सकता है। आज भी इन बुजुर्गों की बाजारों पर जाकर लोग हासिल करते हैं, इनकी दुआओं से न जाने कितने अलग अलग मजहब के मानने वालों की अल्लाह ने झोलियां भर दी। और मैंने इस पर पढ़ा हूं, आप भी जानते हैं और बुजुर्गान दीन बैठे हैं कि अल्लाह के दोस्त जो होते हैं, अगर कसम खा ले कोई कि ये काम कसम खा के तुम्हारा होने वाला है, अल्लाह भी अपने दोस्तों की लाज रखता है। लेकिन वो ईमान चाहिए, वो हमारे पास नहीं है। बहुत ऊंचे ऊंचे ईमान के साथ रह रहे हैं। इस उम्मत मुस्लिमा की जिम्मेदारी है आज इस मुल्क के अंदर अल्लाह ने साफ मिशन पर हमको भेजा। अगर ऐसे इस्लामी मुल्क में भेजता आप किसको कलमे की दावत देते? यहां तो एक कलमा अगर कोई कबूल हो जाए तो बेड़ा पार है हमारा। तो आइए आज के दिन हम ये अपने आप का जो है तो जायजा लें। इस किताब का मकसद जो है हमारे औलिया कराम की जिंदगी, उन्होंने जो अमल किए, किस तरीके से उन्होंने इस दीन को लेकर के लोगों तक पहुंचाया, इस्लाम का पैगाम पहुंचाया, कई जहाज किए, जैसे किताल हुए, ऐसी बहुत सारी तारीफ जिस पर तबसरा हो सकता है वो यहाँ पर तुम इस किताब के अंदर मौजूद है। मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि मुझे कहने सुनने से ज्यादा इन औलिया इकराम, साहबा इकराम, इनका जो 1450 बरस पहले का किरदार है, हम किस तरह की कौम बने कि एक हाथ में हमारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो, नई नई जदीद आलात हमारे हाथ में हो, और दूसरे हाथ में 1450 बरस वाला कैरेक्टर हो, कोई दुनिया की ताकत उनको रोक नहीं सकती। शुक्रिया, अल्लाह।